कोरोना महामारी को देखते हुए सावन की पहली सोमवारी को लेकर बक्सर के रामरेखा घाट पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है, जहां रामरेखा घाट को सील कर दिया गया है। हर साल की भांति इस साल कांवरियों का हुजूम नहीं दिखा। जिला प्रशासन पहले निर्देश दिया था कि इस बार मंदिरों में पूजा नहीं होगी, मंदिरों में ताले बंद रहेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर वहीं पहली सोमवारी के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान समराले हाल में सभी जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग कर कई निर्देश दिए हैं। जिला के उन सभी मंदिरों पर सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था को लेकर कोई संकट उत्पन्न ना हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी पूजा को शांति से संपन्न कर सके। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश तो दिया गया, पर आप देख सकते हैं कि बक्सर के सती घाट पर काफ़ी संख्या में युवा और बच्चे छलांग लगा रहे हैं और पानी में डूबने का थोड़ा भी डर नहीं है। हाल ही में यहाँ पर कोई पुलिस या महिला सिपाही नहीं दिख रही है, जो मंदिरों में आराम से फ़ोन में लगे हुए हैं। ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार लोग तो पुलिस को ही ठहराएंगे। वही गंगा के तटों पर श्रद्धालु यहाँ गंगा में स्नान करने आए, मगर हर हाल की भांति इस साल काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। बक्सर से गुप्ताधाम तथा अन्य जिलों में कांवरिया जल लेकर अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के लिए यहाँ से लोग गंगा जल ले जाते हैं। वहीं बक्सर के नाथ बाबा मंदिर, रामेश्वर मंदिर सहित गोलाघाट, सिद्धनाथ घाट मंदिरों में कम संख्या में लोग दिखे। बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर ब्रह्मपुर धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम दिखी, जिससे वहां के पंडा तथा व्यवसाय पर असर पड़ा है। संजीव उपाध्याय के साथ राज रंजन की रिपोर्ट, CNB न्यूज बक्सर। श्रावणी मेला को लेके जो दिशा निर्देश है, आप लोग जो धार्मिक न्यास जो परिषद उसका पत्र देखे होंगे, और यहाँ पे भी जो चूँकि ब्रह्मपुर हम लोगों का एक क्षेत्र है, वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से एक बैठक कराई गई थी और सर्वसम्मति से उन लोगों ने निर्णय लिया है कि वहाँ पे मंदिर इस अवधि में बंद रहेंगे। और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जहाँ से भी जल उठता है या कुछ लोग हैं जो जाने के प्रयास करेंगे, तो आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चले कि इसमें घर में पूजा करें, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और ये एक साल है, और एक साल संयम अगर बरत लेंगे तो वो समाज के लिए अच्छा होगा और पूरा देश के लिए अच्छा होगा। रोग फैल रहा है, इसीलिए हम लोग गेट बंद कर दिए हैं, जो है कि नहीं CO BDO थाना का आदेश है, गेट बंद कर दीजिए। हम लोग गेट बंद कर दिया। इसको लेकर के आप लोगों की कमाई पे असर पड़ा है? बहुत असर है, दक्षिणा बहुत कम मिल रहा है, पैसा कम मिल रहा है, यात्री कम आ रहा है। क्या नाम है आपका? उमा सागर पांडे। महामारी के कारण विश्व में फैलने वाले रोग के चलते बक्सर नगर वासियों से अनुरोध है, वह सोमवारी की पूजा अपने घर में करे। और यहाँ पे जिला प्रशासन के आज्ञानुसार मंदिर को बंद रखा गया है, और आम जनता से निवेदन है कि वह यहाँ पर न आकर के अपने घर में भगवान शिव की आराधना करे, पूजन करे, जप करे, उपवास करे। जी आपका नाम? मेरा नाम श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, ग्राम सोहनीपट्टी, बक्सर, बिहार। देखिए, मैं गोलाघाट मंदिर का प्रधान पुजारी, मैंने प्रधान संरक्षक। गोलाघाट मंदिर वैश्विक महामारी से बचने के लिए सरकार ने पर्याप्त उपाय भी किए हैं, बहुत श्रद्धालु आए जलाभिषेक वगैरह करने, लेकिन मंदिर बंद थे इसलिए कोई जलाभिषेक नहीं किए, बस बाहर से ही प्रणाम करके उतना चले गए। शाम को श्रृंगार और आरती की भी व्यवस्था है, लेकिन उसको हम ही करेंगे, मंदिर बंद रहेगी। मंदिर में और कोई अभिषेक की व्यवस्था या पूजा पाठ की व्यवस्था या कोई भीड़ भाड़ या कुछ ऐसा नहीं है, श्रद्धालु अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा खूब प्रेम से कर रहे हैं। क्या लगता है कि कोरोना को संक्रमण को लेकर भारी आस्था में गिरावट हुई? जी, आस्था में गिरावट तो हुई, लेकिन आस्था प्रबल भी हुई, और भगवान से जो जहाँ है अपने घर में ही बैठ करके और बिल्कुल प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि भगवान इस वैश्विक महामारी से सारे ब्रह्मांड की रक्षा करें, सारे विश्व की रक्षा करें। ये जो सोमवारी आती है, सोमवारी में कितना लाभदायक होता है लोगों के लिए?
सोमवारी भगवान शिव की सापेक्षित सोमवारी है और इस सोमवारी में भगवान शिव साक्षात मृत्युमंडल में निवास करते हैं और कणकण में भगवान शिव का अधिवास हो जाता है। इसमें भगवान शंकर जी की आस्था के प्रति आस्था और जहां है वहीं से अपना स्मरण ध्यान स्मरण करते रहें, उनकी कृपा आपके साथ बने। देख रहे हैं आज फर्स्ट सोमवारी एकदम इतना असर है कि कुछ भी नहीं है, दुकान दौरी सब कुछ बंद करने का है, ग्राहकों के न आने से परेशानी हो रही है। हाँ हाँ बहुत परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है।